नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पिया और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और ऐसी जगह आने का मौका मिला कि जो एमए मेडिटेशन की बात करते हैं, सेरेनिटी की बात होती है, तो इस जगह पे आके मेडिटेशन भी हो गया दोस्तों। बैठे बैठे आप लोगों के अनुभव सुनते सुनते, और जो सेरेनिटी ए में बोली जाती है, चित्त शांति, उसको भी बैठे बैठे मैंने सुनते सुनते अनुभव किया। और हम लोगों के लिए ये जो सारा बंदोबस्त किया है रामटेक फेलोशिप ने, उसके लिए उनका आभार मानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो भी उन्होंने आज हम लोगों के लिए यहाँ पे अपनी मेहनत की है, इसी को एमए सेवा बोलते हैं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी से किसी दूसरों के लिए समय निकालना, अपना धन खर्च करना, अपना हुनर खर्च करना, ये मेरे जैसे शराबी की बात नहीं थी दोस्तों। मैं तो एक ऐसा स्वार्थी इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने मतलब की सोचता था, जिसने अपने घर के लोगों के बारे में भी कभी सोचा नहीं, घर के लोगों की भी कभी फिक्र नहीं की, तो वो ऐसा आदमी वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बदलाव की बात बोलते हैं, ये बदलाव हमको दिखता है, ये सिर्फ हमारी जुबान में नहीं होता, ये बदलाव हम देख सकते हैं कि ए में आने के बाद में हमारे जैसा जो एक स्वार्थी इंसान है, वो आज कहीं तो भी बगैर स्वार्थ के सोचने लग गया है। दूसरों के बारे में कहीं तो भी उसके अंदर में एक फीलिंग होती है कि मैंने कुछ न कुछ किसी के लिए करना चाहिए। ये एक बदलाव है दोस्तों, ये पहले मेरे अंदर में नहीं था। ख़ास तौर पे अल्कोहलिज्म में तो मैंने कभी दूसरों की फिक्र ही नहीं किया, मेरे घर के लोग कैसे जी रहे, क्या उनके मन पे बीत रही है, कभी मैंने इस बारे में सोचा ना, सोच विचार नहीं करता था। बस एक सूत्री प्रोग्राम रहता था सवेरे शाम कि दारू का अरेंजमेंट कैसा हो और उसके लिए जो करना पड़े वो करे। लेकिन ए में आने के बाद में जब एक नई जिंदगी यहाँ मुझे मिली, आप लोगों ने मुझे पहले ही दिन गले लगाया, पीठ पे हाथ रखा, बोले आते रहो, और मैं यहाँ आते रहा दोस्तों। जो ट्रीटमेंट, जो व्यवहार मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने यहाँ पे दिया, वो बाहर नहीं मिला था मुझे, उसी के लिए मैं भूखा हुआ था। और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही अपनापन, जब वही दिलासा जब मुझे इस मीटिंग में मिली, तो मैं कैसे एक एक दिन के आधार पर सोबर होते चले गया पता भी नहीं चला। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी समस्या शराब, वो दोस्तों पल झपकते ही दूर हो गई। दारू के विचार आने बंद हो गए, और किसी के बारे में एमए क्या हुआ वो नहीं मैं जानता, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। एमए जिस दिन मैं मीटिंग में आया, उसके बाद से आज तक मुझे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो हमेशा हम जिक्र करते हैं कि ऑब्सेशन ऑब्सेशन शराब के मामले में दारू पीने के विचार आते हैं, वो दारू पीने के विचार मेरे मन में इन 14 सालों में कभी नहीं आए। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आई, कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि दारू बंद करने के बाद में हमारी समस्या थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो पिछले 14 सालों में मेरी ज़िंदगी में भी परेशानी आई, मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बावजूद पीने का विचार नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप है। बस मुझे करना क्या पड़ा कि मुझे अपने आप की अपनी जान बचाने के लिए इस ए की फेलोशिप में पूरा झोंकना पड़ा। तो मेरे दोस्त ने ही मुझे ए का मैसेज दिया था, साथ में ही हम शराब पीते थे, एक ही एरिया में रहते थे, 2 महीने से वो दिखा नहीं था,
और 2 महीने के बाद में जब वो दिखा, एक जगह हमारी बैठक थी एक वाचनालय में, तो वहाँ उसने बताया कि बोले मैं एक मीटिंग में जाता हूँ बोले, और मेरी 2 महीने से शराब दूर है बोले, तुम्हारी इच्छा होंगी तो तुम भी चलो बोले। कुछ दिन मैंने उसको टाला, एक बेवड़ा आसानी से मानने वाला नहीं रहता। लेकिन दोस्तों आखिर मैं भी ऐसी स्थिति में था आखिरी में कि मेरे लिए फैसला करना बहुत जरूरी हो गया था कि अभी मरना है या जिंदा रहना है। साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहोगे मरना तय है, और नहीं मिली तो मर जाऊंगा, ये भी एक डर था। लेकिन सामने में दोस्त था मेरे ही जैसा पीने वाला, मैं बोला ये अगर नहीं मरा दारू बंद करके तो मेरे को भी मौत नहीं आने वाली है, तो इसकी शराब कैसी बंद हुई। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक का मैसेज दिया और मैं उसकी वजह से एक ही मीटिंग में आया दोस्तों, यहाँ और भी मेरे जैसे लोग दिखे। तो इस एक ही मीटिंग की एक प्रकार से मुझे एक लौ लग गई, जो जुनून जो पागलपन पहले दारू के मामले में रहता था, वही जुनून वही पागलपन पहले ही दिन से एक ही मीटिंग के बारे में पैदा हो गया। सवेरे शाम दारू के विचार के बजाय मीटिंग के विचार, शाम होते ही दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम एक ही मीटिंग की तरफ में जाने लग गए, और मैं कैसे एक एक दिन के आधार पर दारू से दूर होते चले गया पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद में जो हुआ तो मुझे भी नहीं मालूम था दोस्तों, इसको ए में सेवा बोलते हैं, कैरिंग द मैसेज बोलते हैं, जब उसकी समझ नहीं थी तभी वो काम हमने शुरू कर दिया था। हम दोनों दोस्त अपने इलाके से पैदल ही निकलते थे मीटिंग के लिए, 15 मिनट की दूरी पे मीटिंगें थी, तो जब हम निकलते थे तो जो हमारे पहचान के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते थे, कभी हम लोगों को मैसेज देकर मीटिंग में चलने के लिए बोलते थे। तो ये जो हमारा एक ग्रुप बनते चले गया, एक नया काम मिला कि यार जैसे मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है तो यही मैसेज मेरे और भी जो परिचित लोग हैं, मेरे पास रहने वाले मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार, उनको भी अपन ने देना चाहिए। तो एक एक बार कई बार हम लोग 5-5, 6-6 लोग ऐसे मीटिंग में साथ साथ निकलते थे। अच्छा, लोग हंसी भी उड़ाते थे, ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं उड़ाते थे, अरे देखो वो जा रहे हैं बेवड़ा गैंग। अब उसमें से कुछ लोग अगर फिर दोबारा दारू पीना चालू कर दिए तो हंसते भी थे हम पे, अरे वो जो जाता था ना वो मीटिंग में, वो तो आजकल घिटक रहा है। लेकिन दोस्तों हमने उन चीज़ों का कभी ये नहीं किए। और मेरे पास में उस वक्त जब मैं शुरू में आया था दूसरे कोई काम धंधे थे ही नहीं, हर तरीके से मैं टूटा फूटा था, काम धंधे का ठिकाना नहीं, घर में रहने रुकने का इच्छा नहीं होती थी, सोशल बायकॉट झेल रहा था। तो मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है यही सब कुछ थी। तो मेरा शुरू से ही बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इसे में, तो शुरू में ही एक होम ग्रुप ज्वाइन किया और बगैर इलेक्शन के वहाँ पे मुझे सेवा का मौका मिल गया, चेयरमैन बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों जो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि कैसे मैं एक एक दिन के आधार के शराब दूर होते चले गया पता भी नहीं चला। ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत थी, हर फ्रंट मेरी ज़िंदगी का अस्त व्यस्त था, हर फ्रंट। अच्छी खासी उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, काम धंधा खराब हो गया था, वजन 35 किलो का, मानसिकता खराब, सामाजिक बहिष्कार, सारे रिश्ते नाते खराब हो गए थे। तो ये जो चीज़ें थी ये मुझे परेशान कर सकती थी। शुरुआती दिनों में हमारी सोब्राइटी को इन्हीं चीज़ों से बड़ा खतरा रहता है, जब पीते रहते हैं तब हमको कोई असर नहीं गिरता क्योंकि कोई भी तकलीफ आई दारू पी लो सारे गम भूल जाओ। लेकिन ए में आने के बाद में जब हम दारू से दूर होते हैं तो सारा बर्बादी का मंजर सामने में दिखता है और वो अपने को डराता है, क्या करूँ क्या नहीं, ये भी गया वो भी गया, कैसा होगा, यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन ऐसे समय में मुझे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो सेवा थी, ए में जो इन्वॉल्वमेंट था, उसने बहुत मदद की। सारी मेरी समस्याओं की जो तीव्रता थी वो तीव्रता ही कही तो भी उसने कम कर दिया। हो सकता है कि इसको समस्याओं से भागना भी बोल सकते हैं, कि मैं अपनी समस्याओं से भागने के लिए
ए में छुपा रहता था, लेकिन शुरुआत में जो ये काम मैंने किया तो मेरे फायदे का हुआ ना, मुझे सोबरेटी मिली, दारू की धुरी मिली जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे मेरी ये शराब की दूरी आगे बढ़ते चली गई, धीरे धीरे मुझे पता चला कि असली सेवा क्या है। शुरुआत में जो मैंने सेवा दी वो मेरी एक मजबूरी थी, अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए मुझे एए में इन्वॉल्व रहना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं एए में इन्वॉल्व नहीं रहता और अपनी परेशानियों में अगर डूब जाता था तो मेरा सोबर रहना कठिन था। जिस दोस्त ने मुझे एए का मैसेज दिया था वो 6 महीने के बाद में फिर दोबारा दारू की तरफ चले गया, जिसने मुझे मैसेज दिया वो फिर दारू पीने लग गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये आदमी ने अपने को मैसेज दिया और इसी ने शराब चालू कर दी, तो कैसा मन मेरा खाता था। तो मैं कुछ दिन उसके पीछे पड़ते पड़े रहता था, उसके घर के सामने की चौक में उसको रात को लेकर बैठना, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। तो ऐसे में जो ओल्ड टाइमर लोग होते हैं वो बहुत मदद करते हैं, हमेशा उनके अगर टच में हम रहे, उनसे मार्गदर्शन लेते रहे तो हमको समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है। तो एक ओल्ड टाइमर ने बोला कि उसकी चिंता छोड़ दे बोले, उसको भगवान के हाथ दे दे बोले, वो आज नहीं कल आ जाएगा बोलो वापस, तू अपनी सोबरिटी की फिक्र कर बोले। और सही में दोस्तों कुछ दिनों के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, आज वो दोस्त वापस आ गया, वो भी मेरे पीछे पीछे ही चल रहा है। तो मैंने फिर इस एए के प्रोग्राम के ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश की। सर्विस में रहते रहते ही दोस्तों मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि जिसकी वजह से आज मैं बोल सकता हूँ कि इस एए की सेवा के माध्यम से ही मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सर्विस 12वें कदम पे होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि पूरे 12 कदम लेने के बाद में हम सेवा करेंगे, क्योंकि ऐसा करने बैठेंगे तो 12 कदम तो कभी पूरे होने वाले हैं नहीं और हम शायद फिर सेवा भी नहीं करेंगे। हमारे जो को फाउंडर है, बिल डब्ल्यू हो, डॉक्टर बाब हो, उनकी जिंदगियों में हम देखते हैं कि पहले ही दिन से सेवा शुरू होती है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती है, सर्विस भी और रिकवरी भी। और जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों, मेरी रिकवरी जो हुई है वो सेवा के माध्यम से ही हुई है। इतना अंदर से मेरे अंदर में निगेटिविटी भरी थी, ऐसे चरित्र के दोष, ऐसे स्वभाव की कमजोरियां भरी हुई थी कि जिसकी हद नहीं। मैं अगर उसको लेकर बैठता तो शायद मेरा निकल पाना मुश्किल था, लेकिन सर्विस करते करते दोस्तों इन सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान गया कि मेरे अंदर में वो कौन से गुण दोष है। क्योंकि मैंने दोस्तों एए में आने के बाद में भी स्वभाव नहीं बदला, बदलने की वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी मैंने लोगों से संबंध खराब किए, ए में संबंध खराब हुए मेरे। ओल्ड टाइमरों से बात करने का तरीका ठीक नहीं, न्यू कमर को डोमिनेट करना, काम करने का घमंड, एक जो घोड़े पे सवार हो जाता है आदमी, ऐसा मैं एक ही सेवा पे सवार हो गया था। और मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, अपने ऊपर में काम करने के लिए समय ही नहीं, किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं, ना स्पॉन्सर बनाया था, ना स्पॉन्सर किसी को बनाना, ना किसी के पास जाना, ना पूछताछ करना, मुझे ही सब कुछ आ जाता है, इसी तरीके से काम करते रहना। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद में मैंने देखा दोस्तों कि मैं काम तो जम के कर रहा हूँ, ए में सेवा तो बहुत कर रहा हूँ, नाम भी बहुत कमा रहा हूँ, लोग भी बोल रहे कि यार देखो कितना काम करता है, वहाँ ग्रुप खोला, यहाँ ग्रुप खोला, वहाँ कैरिंग द मैसेज कर रहा, यहाँ कैरिंग द मैसेज कर रहा, इतनी बढ़िया शेयरिंग कर लेता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो असली रिजल्ट है कि जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मुझे मन की शांति मिलनी चाहिए, वही कहीं तो भी मिसिंग थी, वही नहीं मिल पा रही थी। तो फिर जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे एक ही सेवा कर रहा हूँ तो उसके बाद में भी मैं अंदर से दुखी क्यों हूँ, अंदर से मैं परेशान क्यों हूँ, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। तब दोस्तों पता चला कि जो मैं सेवा कर रहा था वो सेवा सिर्फ मैं अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए कर रहा था, नाम के लिए, कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करे, लोग मुझे नाम ले मेरा, मुझे आगे आगे करे। और
उस चक्कर में दोस्तों मैं किसी की सुन नहीं रहा, अपने मन के मुताबिक काम कर रहा हूँ, तो लोगों से संबंध खराब हो रहे। तो ये जो चीज़ें सेवा करते करते ही दोस्तों मेरे ख्याल में आई मेरी पर्सनैलिटी के डिफेक्ट्स, कि क्यों मैं ए में अच्छा काम करने के बाद में भी मुझे समाधान क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, क्योंकि मैं निस्वार्थ भावना से और अनामिक तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा निस्वार्थ भावना से अनामिक रह के नहीं कर रहा हूँ, बदले में मेरे अंदर में कहीं तो भी इच्छा आकांक्षा रहती है मान सम्मान पाने की, अप्रिसिएशन की, तो मुझे कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। सोब्राइटी मिल जाएंगी, दारू की दूरी मिल जाएंगी, लेकिन जो सेरेनिटी बोलते हैं वो सेरेनिटी हमको नहीं मिलेंगी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस सेवा के दौरान ही मुझे सीखने को मिला अनाम रह के काम करना क्या है। एक शेयरर बहुत बढ़िया बोलते हैं कि अनामिकता का मतलब है ए में अनाम रह के काम करने का मतलब है कि अगर मैं बाएं हाथ से किसी की मदद करता हूँ तो मेरे दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मेरा स्वभाव है क्या ऐसा, मैं तो जरा सा भी किसी के लिए कुछ कर दिया तो मुझे बिल्कुल उसका ऐसा चाहिए ढोल बजा के पिटने वाला काम। इतना मैंने किया बॉस, मैंने ग्रुप खोला, मैंने कैरिंग द मैसेज किया, ये मेरी वजह से है, मेरी बदौलत है, तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और ये एक दोस्तों आध्यात्मिक सत्य है कि सब मेरे मन के मुताबिक नहीं चलेंगे, सब मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा, और जब नहीं होता तो मैं अंदर से दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो सेवा है ये मेरी रिकवरी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकती है, कि जब मैं अपनी सर्विस को, एक ही सेवा को ग्रैटिट्यूड के तौर पे करूँ, कृतज्ञता के तौर पे, मैं देखूँ कि ये जो आज ज़िंदगी मुझे मिली है, आज मैं जिंदा हूँ, मरने वाला इंसान, शराब से दूरी मिली है, घर परिवार मिला है, ए में आने के बाद शादी हुई, बच्चे हुए, काम धंधा ठीक हुआ, फिर से लोगों ने अपनाया, एक नई खुशहाल ज़िंदगी आज मैं जी रहा हूँ, तो ये किसकी बदौलत मिली है? तो ये सीधी बात है दोस्तों, जो भी मेरा ईश्वर है उसकी बदौलत, और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की बदौलत। तो क्या इसके लिए मैं आभारी हूँ? क्या मेरे मन में इस बात के लिए आभार है कि अगर ये ए नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता? और अगर आभार है मेरे अंदर में तो अब ए बोलती है कि ये ग्रेटिट्यूड जो है, ये आभार जो है वो एक्शन में होना चाहिए, कृति में होना चाहिए। तो ए के प्रति सही मायने में आभार वो है दोस्तों जिसे कहा जाता है कैरिंग द मैसेज, सर्विस। तो हम ए में जो भी काम करते हैं, सर्विस की डेफिनेशन बताई गई है। सर्विस यानी क्या? एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम ए में सेवा कहलाता है। कोई भी काम, एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम सेवा कहलाता है। अगर जो ग्रुप में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बना है वो भी सर्विस है। अगर कोई ग्रुप में आकर ग्रुप खोलता है, झाड़ू मारता है, टेबल कुर्सी लगाता है, वो भी सर्विस है। कोई चाय बांटता है, चाय बनाता है, वो भी सर्विस है। बाहर में जाकर जो कैरिंग द मैसेज करता है वो भी सर्विस है। मीटिंग में आकर जो अपने अनुभव साझा कर रहा है वो भी सर्विस है। और जो कुछ नहीं करता, एक ही मीटिंग में अगर आकर बैठता भी है वो भी सर्विस है। तो एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम सेवा कहलाता है। लेकिन ये सेवा दोस्तों तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी जब तक दोस्तों हम लोग इसको निस्वार्थ भावना से नहीं करेंगे, अनामिक तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम बदले में अपेक्षा करने वाले, इच्छा आकांक्षाएं रखने वाले, कि अगर मैंने कुछ किया है तो उसके बदले में मुझे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ जो है दोस्तों वो हमारी सर्विस को ख़राब कर देती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैं ग्रैटिट्यूड से भर जाता हूँ, कृतज्ञता से भर जाता हूँ कि यार मैं मरने वाला इंसान, एक नई ज़िंदगी मुझे मिली है, तो मैं देखूँ कि ये कैसे मिली। मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम मेरे लिए नहीं किया रहता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। तो आज यही काम मुझे करना है। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ आज ये में सेवा का, तो मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा, ये बात मुझे हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है।
कि ये जो सेवा का मौका मुझे मिला है, भगवान ने जो मौका दिया है सेवा का, तो ये एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे मैं कर रहा हूँ। जैसा मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपना समय खर्च किया है, धन खर्च किया है, हुनर खर्च किया है, तो आज मैं ग्रेटिट्यूड के तौर पे वही चीज़ें अन्य लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें मान सम्मान वाली बात कहाँ है, अहंकार वाली बात कहाँ है? भगवान की दया से ए में आने के बाद में भी काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा हुआ कि इस सर्विस के दौरान ही बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे पीछे रहकर काम किया जाए समय से पहले, तो हम अपना अपमान होने से बच सकते हैं। और वो मौका भी मुझे मिला, 3-4 जगह मुझे ग्रुप ओपन करने के अवसर मिले। अकेले बैठकर मैं ग्रुप शुरू करता था, बहुत सारे लोग कभी आते थे नहीं आते थे, धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो ग्रुप बढ़ते चले गए। और मैंने समय के हिसाब से दोस्तों अपना अपमान होने से पहले ही वहाँ से मैंने अपने आप को निकालना शुरू कर दिया। और जो लोग वहाँ है उसी फेलोशिप के लोगों को सारा काम झाम देके वहाँ से मैंने अपना हटना ही अच्छा समझा, तो जिसकी वजह से मैं भविष्य में अपना अपमान करवाने से मैं बच गया। आज मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई भगवान ने जिस काम के लिए और जितनी देर के लिए मुझे चुना है उतनी देर तक ही मैं हूँ। बाद में वो जब ग्रुप खड़ा हो जाता है तो वो वहाँ के लोग उस ग्रुप को संभालने के लिए बिल्कुल कैपेबल है, स्वतंत्र है, मुझे सिर्फ उनको पीछे से गाइड करना पड़ता है। डोमिनेशन या गाइड, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गाइड करना, मार्गदर्शन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा लोगों को अपने कब्जे में रखकर अपने हिसाब से उनको चलवाना, ये कहीं तो भी दोस्तों एक है जो सर्विस का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है। नई फेलोशिप जहाँ भी होती है वहाँ दोस्तों हम उस फेलोशिप को बढ़ाने का काम करते हैं, बीज डालने का काम करते हैं, लेकिन जब वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं तो हम उनके हाथ में वो सारा सिस्टम देकर उनको बाहर से मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ग्रुप कॉन्शस के से वो सारे काम कैसे किए जाए ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की ये जो सर्विस है, ये सर्विस दोस्तों मैं नाम के लिए नहीं करता, मैं किसी अप्रिसिएशन के लिए, मान सम्मान के लिए नहीं करता। हमेशा मेरे मन में ये भावना होती है कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने अगर ये मेरे लिए नहीं किया होता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। भगवान ने मौका दिया है मुझे ये सारी सेवा करने का, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। आज मेरे शब्दों, मेरे जबान से जो भी शब्द निकलते हैं वो मेरे देन नहीं है, ये ईश्वर की ही देन है। वो ही बुलवाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस बात को इस तरीके से लेकर एक ही अगर सेवा करता हूँ तो सही मायने में हम एक ही यूनिटी रखते हुए अपने आप को भी कहीं तो भी सेरेन रखते हुए एक ही सेवा का काम करते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा मेरी अपनी रिकवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर मुझे सोबर रहना है तो एक ही सेवा में मेरा योगदान देते रहना जरूरी है। और दूसरी तरफ दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का अस्तित्व अगर कायम रखना है, नए आने वाली जो पीढ़ी है शराबियों की, उनके लिए भी अल्कोहलिक एनोनिमस को अगर बढ़ाते रहना है, बचा के रखना है, तो हम सभी को ए में सेवा करते रहना पड़ता है। आज भी दोस्तों रामटेक फेलोशिप ने इतना सुंदर अरेंजमेंट हमारे लिए किया है। आज का थॉट भी बहुत अच्छा है कि भाई हम लोग कोई ऐसे दुखी लोग नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने हमको उस दुख तकलीफ से निकाला है और ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बोला है। तो ये ज़िंदगी का अगर एंजॉय अगर हमको करना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसे आज जो प्रोग्राम अरेंज किए हुए ये होते रहने चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं उनका भी हमको आभारी होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग अगर सेवा नहीं करते, हमारे लिए अपना समय नहीं निकालते, टैलेंट और धन नहीं खर्च करते, तो आज इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए नहीं मिलता। तो आज इस जगह आने के बाद में जो एक मुझे सेरेनिटी मिली है, जो एक नए अनुभव मुझे यहाँ मिले हैं, उसके लिए मैं रामटेक फेलोशिप का फिर से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।